हेलो दोस्तों, मैं गौतम आनंद आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल फालतू मैथ्स पे स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोग के लिए एक बहुत ही शानदार वीडियो लेकर गया हूँ। मैं आपको यहाँ पे अपने यूट्यूब चैनल फालतू मैथ्स पे क्या पढ़ा रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का ट्रिग्नोमेट्री हमने अब तक ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी तक पढ़ाई कर चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी का आज मैं आपको नया वीडियो देने वाला हूँ। ओके, इसमें हम लोग क्या करने वाले भाई साहब, क्वेश्चन प्रैक्टिस, फॉर्मूला का डेरिवेशन, फॉर्मूला का चीर फाड़ से विहार, ये सब मैं कर चुका हूँ। ठीक है, बस हमको अब क्या करना है, इस पे मोर देन क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, समझ रहे हो। इसमें हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आइए, हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा है ना, हमने जो फॉर्मूला सीखा है उसके हेल्प से, और अभी तक जो हमने ट्रिग्नोमेट्री सीखा है उसके हेल्प से हम ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी के क्वेश्चन को कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये जो है ना स्टूडेंट को थोड़ा परेशान करता है, लेकिन दावा है मेरा कि अगर आप हमारे साथ, मैं जो जो इंस्ट्रक्शन आपको दे रहा हूँ ना, अगर आप उन सारी चीज़ों को फॉलो करोगे तो आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगा। ठीक है, तो बाकी ट्रिग्नोमेट्री के प्लेलिस्ट का जो वीडियो, वो जो लिंक है ना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। आइए देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। मैंने आपको बता दिया, देखिए मैंने हेडिंग लगा के क्या रखा हुआ है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी क्वेश्चन प्रैक्टिस, समझ रहे हो ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग करने वाले हैं। आइए क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, इसके हम दो तीन वीडियो बनाएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस के दो तीन वीडियो बनाएंगे, आसान से लेकर के डिफिकल्ट तक सारे क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस करके बताऊंगा। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, फिलहाल मेरे पास जो एक बुक है, बुक इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को हम कैसे सोचते हैं वो। ठीक है, अगर हमारे सामने क्वेश्चन है तो हम उसको कैसे सोचते हैं वो, कौन सा बुक मैं लेके बना रहा हूँ, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट। अगर आप पहले पहले तो आप कॉन्सेप्ट पे काम करो, उसके बाद आप कोई भी बुक बनाओ। अगर कोई प्रॉब्लम होता है, कोई क्वेश्चन में आप अटक जाते हो, लटक जाते हो, फटक जाते हो, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे। ठीक है, ओके, चलिए आइए। फिलहाल यहाँ देखिए क्या है हमारे पास, क्या है भाई साहब हमारे पास है, हमने फॉर्मूला जो इस चैप्टर में पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है ना भाई साहब, बराबर क्या होता है वन। उसके बाद क्या पढ़ा था, सीक स्क्वायर थीटा प्लस, नहीं भाई साहब प्लस नहीं, माइनस, माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, बराबर वन। और क्या, और क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, क्या होता है वन। ये फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया था, ओके, जिसका इस्तेमाल इसमें बहुत ज्यादा होगा, स्पेशली इसी लेशन का है ना भाई साहब, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी का ही ये फॉर्मूला है जिसका इस्तेमाल इसमें सबसे ज्यादा होने वाला है। उसके अलावा मैंने आपको क्या बताया था कि टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है भाई साहब, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, सही है, एक टेन थीटा होता है। फिर कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होता है, अच्छा एक चीज आप यहाँ पे साथ साथ लिख सकते हो क्या, जैसे देखिए मैं आपको बताता हूँ क्या लिख सकते हैं। मैंने ये पिछले वीडियो में भी, चीर फॉर सेरे विहार वाला में भी मैंने ये डिस्कस किया हुआ है कि टेन थीटा को आप दो फॉर्म में लिख सकते हो, टेन थीटा बराबर आप साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी लिख सकते हो, या फिर सेक थीटा, समझ गया क्या, सेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा भी लिख सकते हो, ठीक है मेरे दोस्तों। उसके अलावा कॉट थीटा, आइए कॉट थीटा को उसी तरीके से कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, और इधर इक्वल कॉसेक थीटा अपॉन क्या थीटा बोल सकते हो भाई साहब, सेक थीटा, ये चीजें आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। उसके अलावा आइडेंटिटी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा, सॉरी इसमें रेसिप्रोकल का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होने वाला है, आपको पता है, साइन थीटा को लिख सकते हैं वन अपॉन कॉसेक थीटा, ठीक है, और कॉसेक थीटा को लिख सकते हैं वन अपॉन साइन थीटा, सही है, वेरी गुड। उसके अलावा इसका उल्टा ये क्या, कॉस, ठीक है, उसके बाद आइए कॉस का, और उल्टा नहीं, कॉस, कॉस को लिख सकते हैं, कॉस थीटा को लिख सकते हैं वन अपॉन सेक थीटा, और उसी तरीके से सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं भाई साहब, वन अपॉन कौन थीटा, कॉस थीटा, ठीक है। उसके अलावा टैन का ये है, टैन थीटा को लिख सकते हैं क्या, वन अपॉन कॉट थीटा, एंड इन द सेम वे कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन टैन थीटा, ठीक है। इस फॉर्मूला का इस्तेमाल सबसे ज्यादा इसमें होने वाला है। इसके अलावा मैंने आपको बोला था कि हमको एलजेब्रिक आइडेंटिटी के दो तीन फॉर्मूला जो है ना काफी इस्तेमाल होने वाला है, क्योंकि इसका जो एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन है ना, वो एग्जैक्टली अलजेब्रा के जैसा ही होता है, ठीक है, ये बात आपको पता होगा क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में पहली बार पढ़ा रहा हूँ आपको, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे हमने क्या हुआ था कि आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला,
ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू, सही है ना। और इसके अलावा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये तो छोटा छोटा फॉर्मूला है जो जनरली याद ही रहता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, और ए प्लस बी का होल क्यू, ठीक है, और ए माइनस बी का होल क्यू, ये सारे फॉर्मूले मैंने आपको बोला था याद करने के लिए। मैंने बोला था कि ये तीन फॉर्मूला जो है ना ये काफी इंपॉर्टेंट है, सही है। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए क्लियर कट, तब जाकर के हम इसके सवाल की ऐसी की तैसी कर सकते हैं, समझ रहे हो। चलो आओ, तो भाई साहब देखो हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन को बहन साहब बनाने वाले हैं, सही है ना। मेरे मतलब ये है कि क्वेश्चन के साथ हम लोग मजाक करने वाले हैं, खेलने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपने पहले, सबसे पहले तो आप ट्रिग्नोमेट्री के ये फॉर्मूला का डेरिवेशन जाकर के अच्छे से देखिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, तभी सवाल को आप अच्छे से हिला डुला सकते हो, मतलब बना सकते हो। और क्या और क्या, और जो एक फॉर्मूला का चीर फरसेरे भी आ रहा है वो वीडियो एकदम परफेक्टली देखा होना चाहिए आप, ध्यान से समझ करके, उसके बाद आइए हम सवाल को चीर फरसेरे भी हल करते हैं सवाल का, है ना। उससे पहले मैंने फॉर्मूला का किया था, देखो जनाब क्या कह रहा है, हमारा क्वेश्चन क्या है, मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, इसका तीन चार वीडियो आपको आइडेंटिटी के क्वेश्चन प्रैक्टिस के तीन चार वीडियो आपको मिल सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं कितने वीडियो में कंप्लीट होगा। हमने सबसे पहला आसान और क्वेश्चन क्या लिया कि वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, हमारा क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे ऊपर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो एक नंबर क्वेश्चन क्या बोला, देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला कि आपको इंस्ट्रक्शन क्या है कि प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटी, हमको फॉलोइंग जितने भी सवाल मैं लिखूंगा सब आइडेंटिटीज होगा, और हमको प्रूव करना है, मतलब एलएचएस के बराबर आरएचएस करना है, ठीक है। क्या इंस्ट्रक्शंस क्या है भाई साहब, देखिए इंस्ट्रक्शंस मैं लिख देता हूं, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज, ठीक है, प्रूव दैट, क्या इंस्ट्रक्शन है भाई साहब, प्रूव दैट फॉलोइंग, ठीक है, फॉलोइंग आइडेंटिटीज, आइडेंटिटीज, ठीक है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है ना वो क्या कह रहा है, आइए सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारा भाई साहब क्वेश्चन नंबर वन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर वन ला रहा है, ठीक है। प्रूफ करना है, मतलब कैसे प्रूफ करेंगे भाई साहब, देखो बहुत ही आसान और मजेदार है, ठीक है। आइए हम इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, हम इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, ये हमारा एलएचएस है, ठीक है, हमारे एलएचएस को आरएचएस के बराबर ला रहे हैं, हमारा एलएचएस क्या है, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, समझ गए दोस्तों, इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब देखो जनाब चीर फाड़ सीधे बिहार में मैंने आपको क्या बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर वन होता है, ठीक है। तो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, बोलो क्या लिख सकते हैं, अगर ये इधर जाएगा तो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, जिसके बराबर हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो आ जाओ हम यहां पे क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, समझ गए क्या। अब देखो यहां पे लिखना पड़ेगा भाई साहब, हम ये बात कहां से लिखे हैं, ये बात हम लिखे हैं क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन होता है, यहां से लिखे हैं, हमको रीजन भी बताना पड़ेगा, नो डाउट, ठीक है साहब। चलो अब देखो, अब हम रेसिप्रोकल का इस्तेमाल करेंगे भाई साहब, कैसे करेंगे, हमको पता है कि साइन और कॉस का जो है ना रेसिप्रोकल का रिलेशनशिप है ना, दोस्ती यानी कैसा का है ना, जीएफ बीएफ कैसा का है भाई साहब, कैसा का है, रेसिप्रोकल का है ना। तो या तो आप इसको चेंज कर लो या फिर इसको चेंज कर लो, सही है, रेसिप्रोकल का प्रोडक्ट हमेशा ही वन होता है। तो हम देखिए इसको क्या लिखेंगे, वन अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू क्या लिखा हुआ है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा से कॉसेक थीटा कट जाएगा तो वन हमारा आर एच एस आ जाएगा, आर एच एस, ये हो गया भाई साहब तुम्हारा प्रूफ, समझ में आया क्या तुम्हें, ठीक है, समझे क्या मेरे दोस्त, ओके। चलो मारो एक बार मस्त वाला स्क्रीनशॉट, फॉर्मूला तुम्हें याद होगा, मैंने बस याद दिलाने के लिए तुम्हें क्या किया है, फॉर्मूला एक बार नोट डाउन करवा दिया है, सही है। तो एक मस्त वाला स्क्रीनशॉट लो, हम बोर्ड को सफाई करेंगे पूरी तरीके से जल्दी से, और इसे लंबे लंबे क्वेश्चन आएंगे तो हमें जगह का ज्यादा जरूरत पड़ेगा, मैं थोड़ा बोल्ड लिख रहा हूं ताकि आपको दो देखने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। आइए तो करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, होइए दोस्तों एक बार इसका मस्त वाला स्क्रीनशॉट आप लीजिए, चलिए ठीक है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और उसके साथ थोड़ा हंसी मजाक करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन के साथ क्या करेंगे भाई साहब, हंसी मजाक, ठीक
ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए और जरूर आपको याद हो गए होंगे, मैंने आपको याद करवाया है, ठीक है, इसके हर चीज मैंने आपको करवाया हुआ है। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन नंबर दो देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर दो तुमसे तुम्हारे पास लिखा हुआ क्या, वन अपॉन वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ठीक है भाई साहब, प्लस वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, सही है दोस्तों, इज इक्वल टू वन ही लाना है, वन ही लाना है। आइए देखते हैं क्या कर सकते हैं, सही है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। ओके, तो देखो भाई साहब हमारे पास यहाँ पे जो LHS है ना हमारा, वो क्या है, हमारा जो LHS है ना, ठीक है, हम दे रहे हैं आपको सॉल्यूशन, ठीक है, हम आपको क्या दे रहे भाई साहब, सॉल्यूशन। हमारा जो LHS है ना वो वन अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। नाउ अब हम क्या करने वाले हैं, देखो वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो भाई साहब होता है ना वो क्या होता है, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, आपको पता होगा क्या होता है, ये होता है सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, और वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा, समझे। अब देखो भाई साहब इसको हम क्या ले सकते हैं, आपको पता है कि सेक किसका रेसिप्रोकल है, कॉसेक का, इसको वन अपॉन क्या ले सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, और ये किसका है, साइन का रेसिप्रोकल, तो इसको लिख सकते हैं कॉसेक, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। इसको जब आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो कायदे से क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपने दो फार्मूला का इस्तेमाल किया, ये फार्मूला आपको पता है कहाँ से लिख रहे हो आप, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सिंस क्या लिख सकते हो आप लिख सकते हो क्या, हमने क्या, हम क्या, हमको क्या पता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर वन होता है एक, और सिंस एंड क्या, एंड कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, वन होता है, वहां से मैंने ये दो फार्मूला लिखा है। अब इसको जब आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आपको पता है कि ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, वन। अरे यार मतलब ये तो आपको पता है कि इसका वैल्यू कितना होता है, वन के बराबर होता है, मैंने जल्दबाजी में लिख दिया, वन के बराबर होता है, यही आपका है आर एच एस, समझ गए, इस जो हो गया क्या प्रूव्ड, समझे। चलो तो बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, चलिए हम कुछ और भी क्वेश्चन करके आपको बताते हैं धीरे धीरे से, ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए तो बवाल वाला है ना। ओके ओके माय डियर फ्रेंड, चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आइए जनाब मिटाते क्या इसको, चलिए मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। तो इन सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए फिर देखिए मजा, क्वेश्चन नहीं बनने की सवाल ही पैदा नहीं होता है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री हम लेने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री हमारा क्या कह रहा है, वन प्लस साइन थीटा, देखिए वन प्लस साइन थीटा लिखा हुआ है, ओके, अरे नहीं यार ऐसा नहीं लिखा है मास्टर जी, गलत लिख रहे हैं तुम तो यार, ये लिखा हुआ है वन अपॉन वन प्लस साइन थीटा, समझे दोस्त, ओके, फिर क्या लिखा हुआ है, वन अपॉन वन माइनस साइन थीटा, ये किसके बराबर लाना है दोस्त, ये लाना है टू सेक स्क्वायर थीटा के बराबर, किसके बराबर, टू सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। अब कैसे आएगा भाई साहब, देखो ये साइन है, जाना है सेक में, सेक मतलब कॉस, क्योंकि आपको पता सेक का रेसिप्रोकल कॉस होता है, तो कॉस हम साइन से कॉस में जाएंगे, दिमाग लगाते हैं, आ जाओ मेरे दोस्तों, आसान है, आसान है, बहुत ही आसान है। अभी मैं आपको बताता हूं हमारा जो LHS है ना वो क्या लिखा हुआ है, हमारा LHS लिखा हुआ है वन प्लस साइन थीटा, ठीक है, एंड वन माइनस साइन थीटा, ठीक है। इसको हम क्या करने वाले हैं, सिंप्लीफाई करने वाले दोस्तों, देखो सिंप्लीफाई मतलब देखो फ्रैक्शन, फ्रैक्शन एडिशन करेंगे, फ्रैक्शन का एडिशन, वन प्लस साइन थीटा इंटू वन माइनस साइन थीटा, समझे दोस्त, एलसीएम हो गया है ना, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ होने वाला है वन माइनस साइन थीटा इंटू इंटू नहीं भाई साहब प्लस वन प्लस साइन थीटा, ठीक है। इसको जब आप सिंप्लीफाई कीजिएगा कायदे से तो आपको क्या मिलेगा, देखिए आपको क्या मिलेगा, वन अच्छा ये देखिए वन माइनस साइन थीटा है, ये क्या है वन प्लस साइन थीटा है, ठीक है। नीचे देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है,
साइन भाई साहब चले गए, बचा क्या भाई साहब, दो और वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, सॉरी वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। और कॉस स्क्वायर जब ऊपर जाएगा ना तो इसको लिख सकते हैं क्या, टू सेक स्क्वायर थीटा। आर एच एस प्रूव्ड हो गया, वेरी गुड। चलिए समझ में आ गया आपको, बहुत ही आसान है। मैंने क्या किया, एल एच एस को सिंप्लीफाई कर दिया ओनली, बट्टा पटका जोड़ घटाओ। यहाँ पे हमने क्या किया, ए स्क्वायर ए प्लस बी डी सी लगा दिया, वन वन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, ऊपर में साइन साइन कट गया, वन वन टू इसको लड़ दो, टू सेक स्क्वायर थीटा आंसर आएगा, आना पड़ेगा, समझेगा। चलो तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, थोड़ा सा देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री के बाद क्वेश्चन नंबर फोर की बारी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर क्या कह रहा है देखिए, हम बस कुछ और क्वेश्चन करने वाले हैं आज की क्लास के लिए, दैट इज सफिशियंट, दो क्वेश्चन हमें और भी करना है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन थोड़ा लंबा चौड़ा दिख रहा है, बाकी कोई बात नहीं, अच्छा ये पूछा हुआ सवाल भी है, ऐसे कीजिए दोस्तों इसको एक बार आप नोट कर लीजिए, ठीक है ना, इसको आप एक बार नोट कर लीजिए, उसके बाद हम वोट करेंगे, ठीक है, मतलब मिटा देते हैं, नहीं तो आपको मजा नहीं आएगा, सका से आएगा उसमें सवाल, समझे कि नहीं समझे, लंबा है पूछा हुआ सवाल है तो मैं थोड़ा बवाल तरीके से आपको बताने की जहमत उठाता हूँ, समझे। तो सर जी कहाँ से बोल रहे हो, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ यार, क्या बात कर रहे हो, तो सवाल लंबा है पूछा हुआ है, ठीक है, मतलब एग्जामिनेशन में, फाइनल एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है, तो आइए बताते हैं जल्दी से, मिटा देंगे इसको। चलिए आपको मजा आ रहा होगा हमारे साथ, है ना दोस्तों, आइए आपका इंतजार है ना था, देर लगी आने में लेकिन शुक्र है कि तुम आए, तो शुक्र नहीं सनिचर है भाई आज, ओके जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ। चलिए ठीक है, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार पूछा हुआ है, क्वेश्चन नंबर आई थिंक फोर होगा ना, यस ठीक है। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है साइन थीटा वन प्लस टेन थीटा, ये लिखा हुआ है साइन थीटा वन प्लस टेन थीटा, समझे। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, और क्या लिखा हुआ भाई साहब, वन प्लस कॉट थीटा, वन प्लस कॉट थीटा, ठीक है दोस्तों, इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस कॉस थीटा लाना है, इक्वल टू सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा हमको लाना है, ठीक है, ये हमको प्रूफ करना है। देखिए हमारा जो एन एच एस है ना, अब देखो जनरल आइडिया क्या है यहाँ पे इस क्वेश्चन को, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा लाना है, देखो ये साइन, ये कॉस का रेसिप्रोकल है, साइन का रेसिप्रोकल है, हमारे दिमाग में फिलहाल इसको देखने के बाद जो दिल में कुछ कुछ हुआ ना, वो क्या हुआ, वो ये हुआ कि हमने सारे को साइन कॉस में चेंज करना है, ठीक है, हम इस भाई साहब को भी साइन कॉस में चेंज कर सकते हैं, इस बात साहब को भी साइन कॉस में चेंज कर सकते हैं। देखिए अगर आपको सवाल में कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी के सवाल में कुछ नहीं समझ में आए, तो आप सिंपली साइन कॉस में चेंज करिए, आगे कैलकुलेशन करिए, मंजिल मिल ही जाती है चलने के बाद, ठीक है, तो मंजिल मिल जाएगी आपको, मतलब सवाल आपका बन जाएगा। आइए तो फिलहाल हम एल एच एस को लेकर के आगे बढ़ते हैं, ये भाई साहब हमारा सोल्यूशन है, हम एल एच एस को ही आगे बढ़ते हैं, एल एच एस को मैं दोबारा उतार नहीं रहा हूं, मैं इसी को लेकर लेके ले रहा हूँ, ठीक है। देखिए ये साइन थीटा, इसको क्या कीजिएगा, वन प्लस टेन थीटा को आपको पता है फॉर्मूला से, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा लिख सकते हैं, इस पर शर्माने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। आइए ये हुआ तुम्हारा कॉस थीटा वन प्लस, ठीक है, वन प्लस ये हो जाता है कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे सिंपली सा, और हमारा आंसर आएगा, ये पूछा हुआ सवाल है, ये बात आपको पता होना चाहिए, ये कब पूछा हुआ है, सीबीएसई 2008 में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन, कब पूछा गया भाई साहब, सीबीएसई 2008, समझ गए आप, हाँ तो पूछा हुआ, तो हर एक सवाल मैं जरूर बताता हूं। आइए इसके लिए मैंने क्या करना है, देखो साइन थीटा सही है, इसको जोड़ेंगे, इसके नीचे भाई साहब एक है, भट्टाभट का जोड़ लो, फ्रैक्शन का एडिशन करो, ठीक है, ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है, इधर आ जाओ, ये कॉस थीटा, यहाँ भी हम ब्रैकेट के अंदर इसको जोड़ेंगे, साइन थीटा इसके एलसीएम आएगा, आपको पता है एक और साइन थीटा का एलसीएम साइन थीटा, इसे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ओके। अब देखिए जनाब हम क्या करने वाले, देखिए कॉस थीटा प्लस साइन थीटा यहाँ भी है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा यहाँ भी है ऊपर में, तो हम क्या करते हैं, हम कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को कॉमन लेते हैं, ठीक है दोस्तों, समझ गए आप क्या, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो देखो इसको जब तुम बाहर निकालोगे तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा बचेगा, क्या बचेगा बोलो, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है। अब इसको तुम बाहर निकालोगे तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, समझ गए, इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ठीक है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा,
ठीक है, इसको सिंपलीफाई करो, एलसीएम देखो क्या आएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा आएगा। राजा इतना कहे ना जल्दबाजी में छा हो, देखा एकड़ा गुणा एकड़े से हो तो समझ ला, और एकड़ा गुणा एकड़े से हो तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और ये हो जाएगा भाई साहब क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए समझिए, जब दो गुणा है ना एलसीएम जब दोनों का प्रोडक्ट होता है ना, तो इसका गुणा इसके साथ होता है, सिंपली इसका गुणा इसके साथ होता है, बस बात खत्म, ठीक है, शॉर्टकट जुगाड़। आइए तो यहाँ देखिए ये क्या है आपका कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, सही है, और यहाँ देखिए इसका वैल्यू वन हो जाएगा, आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन होता है, और नीचे क्या है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, समझे, सही है, ओके। नाउ अब देखो क्या दिस अपन इसको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको जब आप गुणा कीजिएगा ना तो ये कायदे से ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अबटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, समझे कि नहीं समझे, ओके। अब इसको आप सेपरेट आउट कीजिए, दिस अपॉन दिस, ठीक है, कॉस थीटा ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू का साइन थीटा, ठीक है, प्लस साइन थीटा, देखो दिस अपॉन होल एंड दिस अपॉन होल करेंगे, सेपरेट कर रहे हैं, साइन थीटा चाहिए, यहाँ पे मैं थोड़ा नीचे इसको लिख देता हूँ, ऐसा करता हूँ, देखिए जनाब आपको देखने में तकलीफ हो रहा है ना, तो यहाँ से है ना, यहाँ से आप यहाँ आइए, यहाँ आइए, ठीक है, यहाँ हमारे पास स्पेस है, हम यहाँ बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप आ जाइए, चलिए देखिए यहाँ पे आप आ जाइए, यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या लिखा हुआ, सेपरेट करते हैं, कैसे सेपरेट करेंगे, कॉस थीटा, ठीक है भाई साहब, ओके, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, ठीक है, एंड साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है, ठीक है, यहाँ से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, एक बटे साइन क्या होता है भाई साहब कॉसेक थीटा, और एक बटे कॉस क्या होता है कॉसेक थीटा, ठीक है, क्या होता है भाई साहब सेक थीटा, यही हमारा है आरएचएस जो हुआ प्रूव्ड, ठीक है, इस तरीके से हमने प्रूव कर लिया, समझ गया बात आप, तो भैया बहुत ही आसान और शानदार है, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं, देख रहे हो पूछा हुआ सवाल है, मैंने ऐसे तैसी कर दी सवाल की, ठीक है मेरे दोस्त, ओके चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, इस क्वेश्चन को दो तीन बार प्रैक्टिस कीजिएगा, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आज के लिए एक आखिरी सवाल करेंगे, फिर अगला वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे में मिल जाएगा, ठीक है, चलिए ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए बवाल वाला, ठीक है, ओके, आई होप तुमने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा मेरे दोस्त, चलो आगे बढ़ते हैं, मिटा दे इसको, मिटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए तो अब हम आगे की बात करते हैं, सही है, अगर आपको कोई दिक्कत है, ठीक है, या कोई परेशानी है, तो कोई जहमत उठाना चाहे उठाना पड़ रहा है आपको, तो भैया आप हमें बताइए, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 5, ठीक है, आज का आखिरी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, इसके आगे का क्वेश्चन हम आपको अगले वीडियो में देंगे, एक वीडियो बहुत लंबा मैं नहीं करना चाहता हूँ, आपको मजा नहीं आएगा इसे, ठीक है, तो आइए हम 5 क्वेश्चन आज मतलब एक क्वेश्चन और बता देते हैं आपको, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट अगले वीडियो में, ठीक है, इसके आगे के सवाल तब करेंगे हम, ओके माय डूड, चलो आइए, ये जो हमारा सवाल है ना, ये सवाल क्या कह रहा है, देखो भाई के टेन क्यू थीटा, अच्छा आइए हमारा क्वेश्चन क्या है कि टेन इस बार क्यू थीटा लिखा हुआ है, क्या बात है भाई साहब, क्या बात है, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस लिखा हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर वन ला रहा है, समझ गए, बराबर क्या ला रहा है भाई साहब, वन ला रहा है, क्या करेंगे, देखिए हमारा एलएचएस सॉल्यूशन की तरफ हम बढ़ते हैं, हम एलएचएस को लेकर के आगे बढ़ते हैं, ठीक है, देखिए जनरल आ कहोगे सर आप हर बार एलएचएस को लेकर आगे क्यों बढ़ रहे हो, इसको सिंप्लीफाई करके एक लाना आसान है, एक से इसको लाना बड़ा टफ काम है, समझे नहीं, टफ नहीं, आई थिंक बहुत ही टफ काम है ना, बहुत ज्यादा आपको विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा, फिलहाल देखिए हम एलएचएस को सिंप्लीफाई करते हैं, हमारा एलएचएस क्या कह रहे हैं, हमारा एलएचएस कह रहे हैं क्या भाई साहब, वो टेन क्यू थीटा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सही है, और कॉट क्यू थीटा, हा मैंने कुछ तो गलत कर दिया, वन प्लस कॉट की, देखिए जनाब मैंने सवाल को थोड़ा सा गलत नोट कर दिया है, इसके लिए मैं दिल्ली रोली सॉरी, यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा, ये क्यू की कोई जरूरत नहीं है, दोनों स्क्वायर ही है, सारे स्क्वायर है, ठीक है, देखिए हमारे पास कुछ आइडिया नजर नहीं आ रहा है, हम साइन कॉस में चेंज करेंगे और ये सवाल हमारा आसानी से ही बन जाएगा, ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे आप इसको क्या कीजिएगा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा को क्या कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, आपको पता है
और नीचे आइए, ये नीचे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है बताइए, सेक स्क्वायर थीटा होता है, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। कॉट स्क्वायर थीटा होता है क्या, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। नीचे देखिए क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, समझे? ओके मेरे दोस्त, देखो आगे आ जाओ, ये है आपका साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर में ये हमारा बट्टा है, मेन बट्टा है ना, अपॉन सेक स्क्वायर थीटा कर सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है दोस्त। यहां आइए, कॉस स्क्वायर थीटा दिस इज साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा को 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि देखो आपको मैंने आपको क्या बताया कि कॉसेक थीटा जो होता है ना वो 1 अपॉन साइन थीटा के बराबर होता है, सॉरी साइन थीटा के बराबर होता है, तो अगर हमने इधर भी स्क्वायर लगाया तो इधर भी स्क्वायर लग जाएगा, मतलब ये कि cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते भाई साहब? तो जवाब आ रहा है कि यस सर, क्यों नहीं लिख सकते हैं बताइए, जरूर लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसी का मैंने इस्तेमाल कर लिया, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। अब देखिए जनाब हम क्या करने वाले हैं, देखो दिस अपॉन दिस, ऊपर में एक फ्रैक्शन है नीचे में एक फ्रैक्शन है, मैंने आपको बताया हुआ है, नहीं बताया, नहीं आपको पता तो सुन समझ लीजिए, नीचे से नीचे कटता है, समझे? ये इस फ्रैक्शन का नीचे वाला है डिनोमिनेटर और इस फ्रैक्शन का नीचे वाला है डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल, न्यूमिनेटर से न्यूमिनेटर कैंसिल, तो ये बचा क्या फाइनली साइन स्क्वायर थीटा, इन द सेम वे इससे ये कट जाएगा तो बचेगा क्या कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है, यही तो हमको लाना था, प्रूव्ड हो गया कि नहीं हो गया, बोल मेरे यार, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको ये भी सवाल बना करके दिखा दिया, आज के वीडियो में ये रह देते हैं, एक वीडियो का सारा सवाल बनाने की कोशिश करेंगे, आपको पता है 2-3 घंटे का वीडियो बनेगा, जो आपके लिए भी बोरिंग होगा मेरे लिए भी बोरिंग होगा, समझे कि नहीं समझे? चल तो चलिए, तो आइए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, जिसमें इससे आगे के प्रॉब्लम्स मैं आपको बताता हुआ मिलूंगा, ठीक है। और अगर आपको मेरा वीडियो आपकी हेल्प कर रहे हैं तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ, और क्या कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय।